क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 से लिया गया है, जिसमें 4x प्लस में 2 का को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 1 आ जाता है, और 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन लेने से भी 2x प्लस 1 आता है। इसका मतलब जो है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 1 dx, और t का करेंगे तो dt आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास इंटीग्रल आई था जो 4x प्लस 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, उसको जो है हम रीराइट करके इस तरह से लिख देंगे कि 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया 2x प्लस 2, और ये जो है हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डीएक्स हो गया। तो हम यहाँ पर 2 को तो बाहर निकाल देंगे और 2x प्लस 1 और dx की जगह dt लिख सकते हैं, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने t माना है तो ये रूट t हो गया, जिसे t की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2 का, तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा और एक कांस्टेंट c प्लस हो जाएगा। अब 3/2 जो है वो क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आने के लिए 2/3 हो गया, और t की पावर 3/2 प्लस में c, तो ये हो गया 4/3 t की पावर 3/2 प्लस में c। अब t की जो वैल्यू हमने माननी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4/3 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द महेश गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।